चलाए थे, और हमीरपुर ज़िला में उन्होंने एक कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विकास कार्य जो चल रहे हैं, करीबन 4,500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जिला कुल्लू के बिजली महादेव के लिए जो रोपवे लगाने के लिए स्वीकृति केंद्र सरकार की ओर से दी गई है, उसका शिलान्यास रखा गया है। बहुत से ब्रिजेस जो हमारे गोविंद सागर झील के ऊपर बनाए गए हैं, उसका शिलान्यास, जिसमें से बीड़ू लठियानी ब्रिज है हिमाचल प्रदेश का, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा ब्रिज आने वाले समय में बनेगा, उसका भी उन्होंने शिलान्यास किया है। बहुत से सीआरएफ की सड़कें, जिसमें करीबन करीबन 250 करोड़ रुपए के अलग अलग सड़कों का उन्होंने शिलान्यास किया है। कई हमारे नेशनल हाईवेज़ का उन्होंने उद्घाटन किया है, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो हमारा जिला शिमला के ठियोग का बाईपास, जो आपदा के समय में हमारे लिए एक बहुत ही मैं समझता हूँ संजीवनी बूटी का काम जिस बाईपास ने किया, क्योंकि हमारा जो मेन रोड है वो क्षतिग्रस्त हो गया था और रिकॉर्ड समय में उसको बनाकर तैयार किया गया, और सारा हमारा जो माल है, आपका सेब है या और उत्पादन है बागवानों के लिए, उसको उस सड़क से लाया गया। और भी ऐसी बहुत सी सड़कें हैं जिनका उन्होंने लोकार्पण किया है। तो मैं पिछले कल प्रदेश सरकार की ओर से वहाँ पर प्रेजेंट रहा, और हमने उनका धन्यवाद भी किया। और इसके अतिरिक्त हमने निवेदन किया माननीय नितिन गडकरी जी से कि कुछ ऐसी हमारी सड़कें हैं जिनके उत्थान के लिए, जिनके वाइडनिंग के लिए, जिनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए केंद्र सरकार से सहयोग की आवश्यकता है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी मांग के ऊपर 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति, और एडिशनल जो अभी उनके ऑफिस से हमको कम्युनिकेशन आया है, एडिशनल 50 करोड़ रुपए, यानी कुल मिलाकर 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति उन्होंने जो है वो हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को दी है सीआरएफ के तहत, जिसमें हम अलग अलग सड़कों की अभी हम रूपरेखा बना रहे हैं हमारे अधिकारियों के साथ बैठकर, और इसको हम कल ही मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने दिल्ली जाऊंगा, और इसको हम उनसे साझा करेंगे। और क्योंकि अब कोड ऑफ कंडक्ट भी लगने वाला है कुछ ही दिन के अंदर प्रदेश के अंदर, तो उससे पहले पहले इसकी स्वीकृति मिल जाए, प्राप्त हो जाए, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। तो एजेंडा बिल्कुल साफ है, मैं जब भी अपनी बात रखता हूँ पूरी मजबूती से रखता हूँ, बेबाकी से रखता हूँ, निष्पक्षता से रखता हूँ, और हिमाचल प्रदेश के हर कोने का सामूहिक विकास करना ये हमारे सरकार की जिम्मेवारी है। एंड बीइंग द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हैज़ टू बी गिवन टू मी, दैट हैज़ बीन गिवन टू मी, उसका सामूहिक तरीके से निर्वहन करते हुए हिमाचल प्रदेश के हर कोने का, चाहे वो चंबा है, चाहे वो हमीरपुर है, चाहे वो कांगड़ा है, चाहे वो ऊना है, हमीरपुर है, सिरमौर है, शिमला है, सर्वत्र हिमाचल प्रदेश का संपूर्ण विकास हो, इस दृष्टि से जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ और भी जो विकास कार्य हमारे चल रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के हैं, चाहे वो हमारे अर्बन डेवलपमेंट विभाग में हैं, उनको भी हम पूरी मजबूती से, मैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। कई जगहों पे, कई शहरों में भी, शहरी निकायों में बहुत सा नुकसान हुआ है, उसके लिए भी हमको डिजास्टर के डीआरडीए के माध्यम से, सॉरी हाँ, डिजास्टर के माध्यम से उसमें फंड आया है। मैंने अभी सेक्रेटरी हमारे जो अर्बन डेवलपमेंट है उनको भी बुलाया है, और कुछ हमारी जो ऐसी नगर पालिकाएं हैं, हमारे नगर पंचायत है जहाँ पे सहयोग की आवश्यकता है, वहाँ पर भी आपके कोड लगने से पहले ये सहयोग उन पंचायतों को, नगर पंचायतों को और म्यूनिसिपल काउंसिल्स को दिया जाएगा, ताकि उस इलाके के जो भी वहाँ पे डैमेजेस हुआ है, नुकसान हुआ है, उसको हम पूरा कर सकें, और जो इलाके में भरपाई करने का हम हर संभव प्रयास कर सकें। 200 करोड़ आया सर, ये नई सड़कों के लिए है कि वही एनएचआई या नहीं, एक तो जो एनएचआई के माध्यम से आना है, वो जो मैं पहले, जब मैं दिल्ली गया था, मैंने जिसका पहले 150 करोड़ रुपए का जिक्र किया था, वो एनएचआई के माध्यम से, जो एनएचआई की रोड्स है, और एनएच जो हमारे 1 किलोमीटर आपके जो लिंक रोड्स एनएचआई को एनएच को मिलते हैं, उसके लिए दिया गया था।
ये वाला जो स्पेसिफिक फंड आज उन्होंने पिछले कल जिसकी घोषणा करी है, ये CRF के माध्यम से अलग अलग सड़कें जो हमारी हमने भेजी हुई थी जिसकी अभी तक स्वीकृति नहीं आई थी केंद्र सरकार से, कई बारी मुख्यमंत्री ने भी उसके बारे में केंद्रीय मंत्री से चर्चा करी है, मैं भी कई बारी उनसे मिला मगर इसका सहयोग हमको अभी तक नहीं मिल पाया था, तो उसकी औपचारिक घोषणा उन्होंने करी है। जैसा मैंने आपको कहा, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से कल दिल्ली जाऊंगा और इसको हम सैंक्शन करवा कर, मेरा प्रयास रहेगा कि कोड ऑफ कंडक्ट के पहले पहले इसको हम सैंक्शन करवा कर लेकर आएँ ताकि इनका भरपूर फायदा आने वाले समय में प्रदेश के क्षेत्र के विभिन्न इलाकों के लोगों को मिल सके। सर, हाल में आप दिल्ली गए थे और कांग्रेस हाईकमान से आपकी मुलाकात। देखिए, ऐसा है कि कुछ बातें मीडिया में होती है, कुछ बातें मीडिया से पीछे पर्दे के पीछे होती है, पर यह है कि मैं जो बात करता हूँ वो पूरा ठोक बजा के करता हूँ, तो जो भी यथास्थिति है उसके बारे में हाईकमांड को जागरूक करवाना ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है। इस बारे में मैंने मुख्यमंत्री से भी चर्चा करी और उसके पश्चात हमारे जो ऑब्जर्वर्स हिमाचल में आए थे, DK शिव कुमार जी जो उप मुख्यमंत्री है कर्नाटक के, और जो हमारे हुडा साहब है और बघेल साहब है, उनसे भी मैंने बड़ी लंबी चर्चा करी है। उन्होंने मुझे जो जिम्मेवारी दी थी उसके तहत हमने सबसे संपर्क साधा, बात करी है और अब आने वाले समय में देखेंगे कि क्या उसका जो है वो परिणाम निकलता है। सर, बाकी विधायकों से भी बातचीत हुई है? सर, मैं कह चुका हूं जिससे मैंने मिलना था, मुझे आधिकारिक रूप से भेजा गया था, बात करी है। जो बात उनकी दिल्ली कहनी थी वो दिल्ली कही है, जो दिल्ली की बात वहाँ कहनी थी वहाँ कही है। अब उस बात में मैं ज़्यादा मीडिया में बात करना संभव जो है उसको मैं उचित नहीं समझता हूँ। तो आने वाले समय में द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द हाई कमांड, जो उनने हमको जिम्मेवारी दी थी उसका मैंने निर्वहन किया है। अब आने वाले समय में हाउ थिंग्स प्ले आउट, दैट इज़ नॉट इन माई हैंड्स, दैट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाई द पार्टी हाई कमांड, बाई द पार्टी, एंड एज फार एज द मैटर इज इन द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में के विचाराधीन है, तो क्योंकि मैटर सब जूडिस है तो उस पर मेरा कुछ कहना या मेरा कोई टिका टिप्पणी करना मैं समझता हूं कि सही नहीं रहेगा। देखिए, जो भी बात थी वो मैंने साफ कह दी है, हाईकमांड को कह दी है और हाईकमांड का जो मत था वो मैंने उनको सुना दिया है। अब इसको मीडिया में कहना, उन चीज़ों को मुझे लगता है वो उचित नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने मुझे जिम्मेवारी के साथ ये जिम्मेवारी दी है तो उसको उसका व्याख्यान हर जगह करना ये ठीक नहीं है। मगर मैं गया था, बात करी है, अब देखेंगे आगे क्या होता है। सुनने में ये आया कि आप भाजपा हाईकमान से भी मिले थे, दो बार बागियों से मिलना, फिर भाजपा हाईकमान से भी मिलना, फिर यू टर्न लेना, पूरा ये चल क्या रहा है? क्योंकि जनता भी बार बार नहीं, ये आपको किसने कह दिया मैं किससे मिला था और किससे नहीं मिला था? क्या आप मेरा आइटिनरी देखने आई थी दिल्ली? जब जो बातें तथ्य से परे है, आप सारे हिमाचल के रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, चंडू खानों की खबरों पर मत जाए, जो चीज़ें सब्सटैंशिएटेड है, ऑन फैक्ट्स है, ऑन बेसिस है, उसके बारे में बात करें। जो बातें हवाओं में हैं उसके बारे में मुझे उत्तर देने का कोई भी जो है मैं किसी रूप से बाध्य नहीं हूँ। सर, कल कैबिनेट की बैठक भी है तो आप उसके बाद जाएंगे दिल्ली? वो मेरी मर्जी है, मैं जब जाऊँगा। सर, सुधीर शर्मा जयराम जिस तरह से कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है और ये जल्द सरकार गिरने वाली है, उस समय बताएगा ना, अभी तो मैटर कोर्ट में है तो उसके बारे में तो मैं टिका टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। व्हेन द मैटर इज इन द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड एंड इट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर एनी पर्सन इंक्लूडिंग एनी मिनिस्टर और एनी लीडर टू स्पीक ऑन द मैटर दैट इज सब जूडिस। तो लेट द कोर्ट डिसाइड, कोर्ट उसमें अपना विचार देगा, उसके बाद आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी। सर, हाई कमांड से क्या नेतृत्व बदलने को लेकर भी बात हुई है क्या? मैं इस विषय में कोई भी चर्चा नहीं करना चाहूंगा। सरकार से आपकी नाराजगी थी, दूर होगी सर? ग्रीवेंसेस थे सरकार से। देखिए, जो भी मैं बोलता हूँ ना, खुले रूप से बोलता हूँ, है ना, मन में मेरे कोई मैल नहीं है, तो जो मैं बोलता हूँ और वो एड्रेस भी हो जाता है और एड्रेस मैं करवा के भी रहूंगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और मैं मिलकर आगे चलूंगा।
और आगे बढ़ेंगे। सर आप दिल्ली दौरे पे थे, कई तरह की चर्चाएं यहाँ पर हो रही थी। अरे भैया चंडू खाने की खबरें हैं तो उनको उनको मानने की कोई आवश्यकता नहीं। आप क्या, मैंने कह दिया जो मैंने कहना था कि मैं वहाँ गया, जो जिम्मेवारी दी वो की, अब करके वापस आ गया। उसके बाद अपनी हमने जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका भी निर्वहन किया, जो पार्टी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसका भी निर्वहन किया, तो दोनों चीज़ों का निर्वहन कर रहे हैं। बाकी ईश्वर खड़ा है, देखेंगे आगे। विक्रमादित्य, चलो हो गया, हो गया। मुख्यमंत्री कह रहे हैं सरकार पूरी तरह स्थिर है, आपने अभी भी एक बात कही कि मैंने कुछ नहीं जो है वो हाईकमांड, मैंने ये कहा कि हाईकमांड अल्टीमेटली तो हाईकमांड ही डिसाइड करेगा ना। बिल्कुल, मैं वही, सरकार किसकी है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कॉल हैज टू बी टेकन बाय द हाईकमांड। मैं तो उस पर कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरे को तो आपने जो प्रश्न पूछा उस प्रश्न का मैंने सीधा सीधा उत्तर आपको दे दिया कि हमें जो जिम्मेवारी दी थी उस जिम्मेवारी का निर्वहन करके मैं आपके बीच में खड़ा हूँ और स्पष्ट तरीके से आपसे जो है वो चर्चा कर रहा हूँ। और ये भी कह सकता हूँ कि मैं जो है जो भी है जो भी होगा मैं खुले दिल से और साफ तरीके से करता हूँ। ये मैं बिल्कुल साफ सा दे सकता हूँ। किस तरह देखते हैं आप खड़गे जी ने उनको जो सचिव के पद से हटाया है, इस्तीफा दिया है, कार्यकारी वापसी के रास्ते तो लग नहीं रहे, लगता है अभी भी वापसी की संभावना है। राजनीति में सब संभव होता है, कुछ प्रेशर टैक्टिक्स भी होती है, कुछ और चीज़ें भी होती है। तो अब तो हम भी अभी राजनीति सीख ही रहे, ऐसा नहीं है, पर काफ़ी चीज़ हमने भी अपने पूर्वजों से सीखी है और कई चीज़ें ऐसी पहले भी आई। ऐसा नहीं है कि ये स्थिति पहली बार हिमाचल में ऐसी बनी है, हो सकता है कि इस सर्कमस्टांसिस में पहली बार ही बनी हो, मगर ऐसी स्थितियाँ तो बहुत बारी प्रदेश के अलग अलग कोनों में देश में आती है। तो राजनीति में कभी भी कोई दरवाजे खुले नहीं होते और हमेशा के लिए कभी कोई दरवाजे जो है वो बंद नहीं होते हैं। अमित शाह जी ने कहा था कि नीतीश बाबू